मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चित्तौड़गढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद बाड़मेर पहुंचेंगे और बाड़मेर हेलीपैड पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के स्वागत के लिए हेलीपैड पर कई नेता यहां पर उपस्थित है और यहां आने के बाद स्वर्गीय तन सिंह चौहान के घर जो श्राद्ध कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगी और उसके निवास स्थान पर भी जाएगी। और खास बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का रात्रि विश्राम भी आज बाड़मेर में है। तो किस तरीके से स्वागत के लिए यहां सब लोग तैयार है? बाबू सिंह जो शेरगढ़ से पूर्व विधायक है वो है, कितनी देर में यहां मैडम पहुंचने वाले और किस तरीके से सब लोग स्वागत के लिए आतुर हैं क्षेत्र के लोग? आधे घंटे में हमारे राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी पधारने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे बाड़मेर में कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और जनता भी पलक पावड़े बिछाकर उनके दर्शन करना चाहती है। और पूरे बाड़मेर को आप देख रहे हैं कि सभी 36 कौम ने अलग अलग होर्डिंग लगाए हैं और बाड़मेर की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है। देवी सिंह भाटी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इशारा दिया है बीजेपी की ओर से कि महत्व दिया जा रहा है मैडम को और इस बार अहम भागीदारी होगी चुनाव में? ये तो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय देवी सिंह जी भाटी राजस्थान के नेता हैं और मगरे के शेर हैं, इसलिए जब शेर कहीं आते हैं तो वहाँ अलग ही अंदाज होता है। देवी सिंह जी भाटी के आने से काफ़ी वातावरण बदला है और मेरा मानना है कि आदरणीय वसुंधरा जी पैरवी कर रहे थे कि ऐसे दिग्गज लीडर का वर्चस्व राजस्थान में रहा है उनके अनुभव का लाभ लिया जाए और उनका सम्मान होना चाहिए। पहले भी आपने उस दिन मेरा इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था कि आदरणीय देवी सिंह जी हैं, रणदीप सिंह जी लीडर हैं, ऐसे जो पार्टी शुरू से ही पार्टी में रहे, विचारधारा में रहे, उनके मार्गदर्शन और उनका अनुभव का लाभ लेना चाहिए। तो आदरणीय वसुंधरा जी ने पार्टी स्तर पर बात की और जिस दिन बात की फैसला रात को ही हो गया और दूसरे दिन ही देवी सिंह जी भाटी साहब की ज्वाइनिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इशारा किया है कि मैडम को महत्व दिया जा रहा है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में सबसे वरिष्ठ नेता कौन है और अनुभवी नेता है जिनका वर्चस्व राजस्थान में है, जिनका करिश्मा राजस्थान है, तो उनको तो सम्मान दिया ही जा रहा है और प्राथमिकता से चर्चा उनसे ही हो रही है। जिस प्रकार से उनकी राय आ रही है उसकी राय को माना जा रहा है और अब राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जैसा उत्साह हम लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से आदरणीय वसुंधरा जी के अनुभव का लाभ लिया जाएगा और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मेरा मानना है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। रूप सिंह जी करीब 2-2.5 साल बाद मैडम वापस यहाँ बाड़मेर आ रहे हैं तो कितना उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि कई पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो स्वागत के लिए आतुर हैं। आज आपने बाड़मेर जिले के लोगों को देखा, दिन भर रेला पला रहा तन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का और उसके साथ ही लोगों में यही चर्चा थी कि वसुंधरा जी कब पहुंच रही है, हम उनसे मिले और उनको सुने ताकि वे सभी ये चाहते हैं कि राजस्थान का नेतृत्व वसुंधरा जी करे और वसुंधरा जी अगर नेतृत्व करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 150 से अधिक सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार कायम करेगी। बिल्कुल, स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान का रिश्ता आदरणीय वसुंधरा जी के साथ पारिवारिक रिश्ता था और आज उनका श्राद्ध है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जैसलमेर और विशेष तौर से पूरा बाड़मेर जिला यहाँ उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और पारिवारिक कार्यक्रम में आदरणीय वसुंधरा जी पधार रहे हैं। पहले भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, यहाँ पधार रहे हैं इसलिए ये देवभूमि है और देवभूमि है इसलिए सीमा पर जगत जननी जगदम्बा माँ तनोट राय कल प्रातः है तनोट माता जी के दर्शन करेंगे, आज शाम को यहाँ विरात्रा माता जी के भी दर्शन करेंगे, कल प्रातः है तनोट माता जी के दर्शन करेंगे, माधेश्वरी आईनाथ माता, सांगेजी माता, भादरिया माता जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ नाकोड़ा भैरवनाथ जी के करेंगे, रूपादेव माता जी, पल्लीनाथ जी के यहाँ और रानी भटेणीसा महिषा स्वरूपा कान्हा जी का दर्शन करेंगे और ब्रह्मधाम ये असोत्रा ये दर्शन के कार्यक्रम है। तो देव दर्शन यात्रा भी इसको समझिए और सब जगह वो यहाँ धोख लगाएंगे और जब कोई शुभ कार्य के लिए निकलते हैं और पता है आपको देव यात्रा चुनाव आते हैं या कोई घर में कोई शुभ काम होता है चाहे शादी विवाह हो या तो अभी चुनाव आ रहे हैं ये भी एक शुभ काम है तो शुभ काम के पहले जो इष्ट देवी देवता हैं
उनके धूप लगाई जाती है और हमारी महारानी साहिबा वसुंधरा जी देव दर्शन करके और इस शुभ कार्यों को करेंगे। बिल्कुल भोपाल सिंह, दो दिन से आप यहाँ लगातार हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि यहाँ मैडम आए, उनसे मुलाकात होगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन बाड़मेर का पूरा तैयार है और आज शाम को युवा मोर्चा की तरफ से भी है, महिला मोर्चा की तरफ से, अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, देवासी समाज की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की तरफ से कैलाश होटल में बैठ के रखी गई है। जो कार्यकर्ता दो दिन से हमारे संपर्क में उत्सुक है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो उत्साह आप निश्चित रूप से अशोक जी दो दिन से आप खुद देख रहे हैं, कल भी आप वहाँ थे पंडाल में थे, आज भी जो पूरे बाड़मेर में और अभी जो हेलीपैड में जो लोग वरिष्ठ और प्रमुख लोग दिख रहे हैं, इसे आप खुद को अंदाजा है तो कितना करिश्मा ही नेता और कितनी बड़ी लीडर है। बिल्कुल, आप बताएं क्या कहेंगे चंद जी, और सीएम आ रहे हैं पूर्व सीएम करीब दो ढाई साल बाद। बहुत खुशी है वसुंधरा राजे जी आज यहाँ स्वर्गीय धन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पधार रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। 36 कौन के लोग आप यहाँ देखो यहाँ आए हुए हैं मैडम के दर्शन करने के लिए और सुनने के लिए। बिल्कुल, शिवाना के विधायक हमीर सिंह भाईल हमारे साथ हैं। हमीर सिंह जी, मैडम आ रहे हैं ढाई साल बाद, देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में काफी जोश उत्साह है और लगातार जो देवी सिंह पार्टी की ज्वाइनिंग हो उसके बाद तमाम बैठकों में वसुंधरा राजे की जो भागीदारी देखने को मिल रही है, तो क्या संदेश है बीजेपी की ओर से? आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहिबा बाड़मेर स्वर्गीय धन सिंह साहब को श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पधार रहे हैं और ये राजस्थान के 5 लीडरों में से हैं और 2 बार मुख्यमंत्री विराजी हैं, तो लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी की इस 5 साल की जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार ने गांव गरीब किसान को परेशान कर रखा है, तो इसके लिए लोगों में एक सरकार हटाने का जो पैमाना बन चुका है उसमें शरीक होकर महारानी जी पधारेंगे तो इसमें 4 चांद और लगेगा। बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर रही है, उसमें नाम शिवाना का भी है, उत्सुकता बड़ी हुई है अमीर सिंह भाईल की। ये हुक्म पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी करेगी सदाबहार पार्टी की लाइन से चलने वाले व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, जो पार्टी का आदेश होगा उस पे। फेस आश्वस्त नजर आ रहा है, कोई इशारा मिला है? नहीं, ऐसा कोई न तो कोई इशारा है न पार्टी में कोई लाइन है, जो पार्टी करेगी उसमें सही कह पार्टी। बिल्कुल, आप देखिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उससे पहले तमाम जो नेता है वो प्रमुख नेता है वो उनके स्वागत के लिए तैयार है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हेलीपैड पर जो है हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर धन सिंह चौहान के घर जाकर के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें शारीरिक होगी, उनको श्रद्धांजलि देंगी, उसके बाद कई मंदिरों में जाकर के वो लोग जो इनके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम धूप लगाएंगे और 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विरात्रा की बात करें, तनोर माता की बात करें, बादरिया की बात करें या जसोल माता जी मंदिर की बात करें, आसोत्रा की बात करें, तमाम जो देवस्थान यहाँ पर हैं उन्होंने वहाँ पर जाएंगे और धूप लगाने के बाद वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे।